बच्चे तो बड़े स्पीकर जो जिसे वालिद साहब लोग स्पीक करते थे, मैं उनका मुखालफा तो नहीं कर सका, लेकिन चंद जो बोलना चाहता हूँ आपके सामने मेरे वालिद के ताल्लुक से। ये एक बहुत ईमानदार आदमी थे, जब भी जो पेशा आपने अख्तियार करे थे वो उसमें ईमानदारी से अपना काम करे था, चाहे वो जस्टिस हो चाहे चेयरमैन हर्ट कमीशन हो। हमेशा मुझे यही तालीम दिया करते थे कि बाबा हमेशा अपनी हक रहना, अपनी हिम्मत से रहना और कोई ईमानदारी के घटना नहीं कुछ नहीं करना। हम एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हम किसी के सामने छुपे नहीं, किसी के सामने। और आपको भी चाहता हूँ कि मैं आप ही हमेशा अपनी लोहा मनवा लेना किसी जिंदगी में, तो किसी के सामने वाले साहब भी थे बहुत ग्रेट मीज थे, उनकी उनके तारीफ के मोहताज नहीं है, आपको सबको मालूम है वाले कौन थे क्या थे। मेरे दादा सूबेदार हमीर अली खान साहब, वो भी बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थी उनकी, वो भी हमेशा अपनी ईमानदारी से काम किया है, अपनी ईमानदारी से चले हैं उन्होंने वो करें। इंतकाल के एक दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा था तो डॉक्टर्स मुझे बुला के बोले कि साहब मैं बाहर आदमी देखा हूँ जो जस्टिस साहब को देखा जो अपनी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में भाई बहादुरी का साथ जो जिंदगी मौत के लड़े हों, मैं ऐसा पेशेंट देखा नहीं। एक शेयर भी है ये जो अपनी ज़िंदगी मौत का मुकाबला कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की ब्लड का मामला है, ये आप लोगों का खून में भी वो है, ये कहना बहुत ही मजबूत आदमी है ये और कभी टूटने वाले आदमी नहीं है, कभी किसी हमें झुके नहीं है मेरे वाले। खैर मुझे पहुंचा डैडी के पास तो मेरे आँख से आंसू निकल गए, तो मेरे आँख से आंसू पूछते बोले कि बेटे दाना हर एक को जिंदगी से कोई रहने वाला नहीं है, आदमी आता है मुसाफिर है, उसको जाना बरख है, जिंदगी में कोई रहने वाले पीर पैगंबर को मौत आई है, हम तो एक निकल आदमी को क्या है सोचते थे। तो मुझे नसीहत किया बेटा हमेशा तुम हिम्मत से काम करना, हिम्मत रहना, कभी किसी के सामने कुछ अपने को करना, मेरे एक पता ख़त्म बचाना, और मैं हमेशा साधा हूँ मैं। खैर मैं बोलने से कभी भी आगे नहीं बोलने का नहीं आ रहा कोई भी, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे वालिद के बुजुर्ग के लिए मकबरे की दुआ करी, अल्लाह को आना बनवाए उनके लिए जो गलतियाँ हुई किसी शख्स से या किसी से कुछ बोल चुके हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उनसे कि उनके माफ़ी की दुआ मांगता हूँ, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। इससे आगे मैं बोल देता हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं हामिद मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मरहूम के लिए दुआ मगफरत फरमाएं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाईन। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को दरदर फरमा, अल्लाह तुम हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमा, अल्लाह बैरिस्टर सदर अली खान साहब मरहूम की मगफरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, अल्लाह को जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमा, अल्लाह उनके तमाम छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा, उनकी खबर को कुशादा फरमा, उनकी खबर में नूर पैदा कर दें, रोशनी पैदा कर दें। रब्बि ग़फिर वरहम अंत ख़ैरुर राहिमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामु अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। असफ़ अली खान साहब जैसा मैं बताया, हम सब लोग बड़ा फैमिली को आप दिए हैं वाली साहब, कभी भी जब भी आप चाहते हैं किसी सिलसिले में हम ही नहीं अपने के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट होना, जो इंटेलेक्चुअल्स है साइंटिस्ट हैं किसी सिलसिले में भी अपन वो मदद दे सकते हैं, क्योंकि अपने को बहुत जिम्मेदारी है। तो साहब का होना है तो एक साहब का जो भी कलेक्शन है, मैं नहीं जानता हूँ साहब के पास क्या कलेक्शन है, साहब का हॉबीज डेफिनेटली is a letters man of letters, so might have written lot of material books bhi acha collection hoga, kuch research papers hoga, ab usko sambhal ke rakhiye bas, and aapka circle mein hai so log jo acha hai iski cheez ko jante hain, woh usse catalog karaiye, iska classification karaiye, iske liye jo bhi cheez hai hum zarur, koi shate nahi hai dekho apna taraf se, to government ki taraf se bhi ek single visit pe har cheez apan madad le sakte hain, isme koi bhi peeche nahi hatte। वहाँ साहब के नाम पे मेमोरियल लाइब्रेरी हो, या अगर साहब का आर्टिफैक्ट कलेक्शन है तो कुछ मेमोरियल तो छोटा म्यूजियम हो, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग देखिए दुनिया में दूसरा सिटीज में होता है बहुत, इतना नवाब साहब का इतना इमारतों को आप हाथ में ले लिए, अब वो लैंडमार्क रहना जरूरी है, वो पब्लिक विजिट करना जरूरी है। अब ये दारू शिफा नहीं है, पुराना म्यूनसिपल ऑफिस, एक लाइब्रेरी म्यूजियम बना देंगे, समझे ना सर,
तो साहबों का ऐसा बड़े बड़े लोगों का म्यूजियम हो, एक रीडिंग रूम हो, उसको एक इस्तेमाल पब्लिक के लिए एक लाइब्रेरी करके उसमें दूसरा सेक्शन में साहब का जो कलेक्शन है, साहब का जो मेमोरीज हैं वो सबको डिस्प्ले भी करेंगे और उस पर लेक्चर्स भी हो, एक मेमोरियल लेक्चर भी हो, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ एक्सपीजम साहब अगर लीगल इशूज पे हो, सोशल इशूज करेंगे, माइनॉरिटी और होना है तो फिर और एक रोड ले लेंगे, रोड का नाम ले लेंगे, कोई ब्रह्मा रेड्डी का स्टैचू लगा रहेगा और किसी का स्टैचू लगा रहे, तुम्हारा जो एलवी प्रसाद है ब्रह्मा रेड्डी एलवी प्रसाद रोड, संजीव रेड्डी पार्क, संजीव रेड्डी पार्क, वेंगल राव नगर हैदराबाद में, तो ये चीज़ अपन जिम्मेदारी लेना पड़ता है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं, तो यहाँ से शुरू करेंगे और स्टैचू भी अपना इसमें स्टैचूज का है तो स्टैचूज का भी एक प्रपोजल देंगे, एक कमेटी छोटा इनफॉर्मल कमेटी का, इसमें आइडियाज लेंगे साहब का जो इच्छे हैं, आइडियाज है, जो नज़दीक इंटेलेक्चुअल साहब के साथ जो काम किए हैं, जो आपको इकट्ठा करिए, आप करने के बाद एक प्रपोजल नंबर दीजिए, हम भी प्रपोजल आप देंगे आपस में बैठे, कुछ जिसका जिम्मेदारी वो हम उठाएंगे, तो ये चीज मे बी पूरा कमेटी जो आज डिपार्टमेंट से डू एग्री भी सर अब दुबई में, अमेरिका में, इंडिया में, बहुत लोग सारे लोग हैं, एंटायर प्रोग्राम इज लाइव वेबकास्टिंग, इंटरनेट में गए आप देख सकते हैं, और दो दिन में हमारे जयवीर साहब इंटरनेट में डाल रहे कि अब ईच स्पीच विल बी देयर फॉरएवर, एनीबॉडी टाइप दिस वन आसिफ अली का सब स्पीच वो आ जाएगा, ही विल पुट इन अ वेरी नेक्स्ट डे ही इज पुटिंग एंटायर आवर स्पीचेस, अभी जो मैं इंफॉर्म कर रहा हूं ये आएगा, पर इवन द एंटायर योर स्पीच विल बी देयर इन इंटरनेट इन अ डे, एनी टाइम इट्स अवेलेबल इन योर सन और ब्रदर और रिलेटिव फ्रेंड और जो चाहे लोग एक्सेस कर सकते हैं, और इसको हम एक प्रिंट फॉर्म ला रहे हैं सेशन, एक दो महीने में पूरा सेशन प्रिंट फॉर्म में आएगा, और हम आगे हम बोल रहे हैं कि साहब का जो वर्क्स हैं देख के बुक का भी छापेंगे, साहब का एक प्रोफाइल भी छापेंगे, हम लोगों का व्यूज भी एक रिकॉर्ड करेंगे, वो रिकॉर्ड करें चीज़ों को भी एक प्लेटफॉर्म लाएंगे, लाने का कोशिश करेंगे, कल मैं प्रपोजल सर आई नॉट यू अग्री, एक इसका भी अपना डिस्कशन को भी थोड़ा पेपर पर लगा के साहब का घर पर भेजिए और फैमिली को, और एक प्रेजेंटेशन के नाते कंसर्न डिपार्टमेंट टू द गवर्नमेंट हामिद मोहम्मद खान साहब का मैं मदद ले रहा हूँ इसमें, और थैंक यू वेरी मच फॉर एग्रीइंग, एंड नाउ वी हैव प्रोफेसर साहब हैं, हमारे नीर मुजाहिद साहब हैं, सनाउल्लाह भाई हैं, एंड मेनी अदर हमारे नरसिम्हा रेड्डी साहब, अदर पर्सनैलिटीज हियर, कि नरसिम्हा रेड्डी साहब कंट्रीब्यूशन एंड इवन एग्जांपल इन पॉलिटिशियंस दैट इज द मैन विद सोशल एक्टिविज्म, वी 44 सेशन में गके सर नरसिम्हा रेड्डी साहब से मेरे बन गए बैठे हैं, और 44th सेशन में 40 सेशन आया 40 सेशन, तो हमारा विंटर धूप बारिश सीजन समर में भी अब रात में 10 बजे घर गाँव जाते हैं सब, तो लोग अब नाउ आई इनवाइट फ्यू मिनट्स आप लोगों से जो भी कुछ बात करना, जो बात की चीज़ पे आप ये होना चाहें सब कोई प्रपोजल के बारे में मत, प्लीज आप सिर्फ ए लाइन में ही बात करना, क्योंकि ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, और ये प्रोग्राम होते ही इससे पहले अपना मीटिंग से पहले SC ST BC मुस्लिम फ्रंट के कॉर्डिनेशन एक 2 महीने पहले एक इमर्ज हुआ, सब लोग बैठे हैं हर मतलब के लोग करके रोड सिटी में जो 20 साल के लिए इनिशिएटिव लेना है, निमला शरीफ साहब, मुजाहिद साहब, सना भाई सब लोग इसमें शामिल हैं मेंबर्स हैं, तो अभी कमिश्नर साहब से जाके मिल गए, ट्यूजडे के दिन एक रैली निकलने के लिए प्रपोजल दे के गए, अभी सब लोग अभी बताएंगे आप लोग, और दूसरा है अभी शामी 8 बजे गन पार्क के पास, अभी 8 बजे गन पार्क के पास एक कैंडल लाइट शो दे के एक पीस के लिए एक मैसेज देंगे कि लेट अस नॉट कीप द सिटी पीस एंड ऑर्डर के लिए, और शाम 8 बजे होगा, और इंशाल्लाह अगर आप कमेटी अगर ऑलरेडी परमिशन लिए तो कल एक 10-15 लोग डिपार्टमेंट के साथ मदद लेके महलों में फिर के लोगों को एक यकीन दिलाएंगे कि कोई फिक्र करने का नहीं, जल्द जल्दी आपका जो भी काम छोटे मोटे हो कि कुछ सामान भेजे कुछ काम करें तो ही भेज पड़ा, वैसा लाखों लोग हैं ओल्ड सिटी में, लोगों को सोचना पड़ेगा, वो एक चीज़ है ट्यूजडे का रैली का साहब लोग कुछ आप लोग बता सकते आपका प्रोग्राम 8 बजे का प्रोग्राम एक है, इसमें जो जो इंटरेस्ट है वो लोग गन पार्क के पास एक्जैक्टली 8 o'clock स्टार्ट, प्रेस को भी इन्फॉर्म किया गया है, ऑर्गेनाइजर की तरफ से मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट ऑर्गेनाइजर, आई एम वन ऑफ द फ्रॉम TRC एंड थिंग्स, आई विल पार्टिसिपेट सर विद यू सब मुनीर मुजाहिद साहब, दोस्तों अगर किसी तरीके